दोस्तों आज हम निकले हैं पिथौरागढ़ की सैर पर, तो चलिए आपको भी कराते हैं पिथौरागढ़ की सैर। जहाँ जहाँ हम घूमेंगे वहाँ हम आपको भी पिथौरागढ़ की सैर करवाएंगे, तो चलिए कराते हैं आपको पिथौरागढ़ की सैर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं अपने गाँव ससुराल, जा रही हूँ मैं आज अपने सटगढ़। तो हम आए थे यहाँ पे भतीजे की शादी में, तो शादी से हम अभी फ्री हो चुके हैं, तो इसलिए अब हम टाइम निकाल करके जा रहे हैं अपने ससुराल गांव में। एक जेठानी हमारी वहीं रहती हैं, और जगह तो घूमने का हमें टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि हर किसी से मिलना होता है, तो घूमने का टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो यही एक टाइम है हमारे पास जहाँ पर मैंने सोचा चलो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ब्लॉगिंग कर लूँ। तो ये है अभी चंडिका है ना, है चंडिका के पास हम पहुँचे हैं। तो ये यहाँ पर से बहुत अच्छा पिथौरागढ़ का व्यू दिखाई देता है। ये तो काफ़ी पहले हम यहाँ पे आए थे, तो उस समय ये सब बना हुआ नहीं था, तो अभी काफ़ी अच्छा यहाँ पे बन गया है ये। हाँ, चंडाक वाली रोड है ये, तो मुझे ठीक से पता नहीं है कि कौन सी जगह कहाँ पे है। तो चलिए अब हम थोड़ा आगे जाते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है ये पिथौरागढ़, बहुत सुंदर, छोटा कश्मीर भी इसको बोलते हैं। तो अभी हम थोड़ा पहले वीडियो वगैरह बना के इसके बाद फोटो वगैरह खींच करके फिर चलते हैं आगे को। तो यहाँ पर से व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, ये मैं आपको दिखा दी। ये पिथौरागढ़ शहर सामने। तो आप लोग दोस्तों जरूर पिथौरागढ़ आए घूमने के लिए, छोटे कश्मीर में काफ़ी अच्छी जगह है। और हमें तो टाइम है नहीं अभी ज़्यादा घूमने का, तो हम अभी जितना घूमते हैं उतना आपको दिखा लेते हैं। तो ये हमारे ससुराल जाते समय ये पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें मौका मिला है वीडियो बनाने का। ये है मोस्टा मानू मंदिर। तो इतने बार हम पिथौरागढ़ आ गए हैं और एक बार भी हम इसके अंदर जा नहीं पाए, तो अभी भी हम चलते चलते ही इसकी वीडियो बना रहे हैं। टाइम मिलेगा तो जाएंगे आते समय। यहाँ पर बर्फ से लदी चोटियाँ बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं, और आगे जाके और अच्छा दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। देखो बर्फ की चोटियाँ कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। तो अभी हम सटगढ़ वाले रास्ते में पहुँच चुके हैं ये, तो अब हम यहाँ से अपने गांव को जा रहे हैं। ये रास्ता हमारे सटगढ़ को जाता है ना, यही है क्या यहाँ? अच्छा, दो साल पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो उस समय ये सड़क नई नई बन रही थी, तो काफ़ी ख़राब हो रही थी उस समय, तो ये बाइक से जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बार बार हम उधर उतर के जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी पत्थर काफ़ी बड़े बड़े थे। तो अभी तो ये सब मुख्य बन गई है ये, वो सामने ढूंगा फिर का यहाँ पे सड़क काफ़ी ख़राब हो रही है, तो मैं उतर गई हूँ, वो चले गए हैं आगे आगे। ये काफ़ी सड़क यहाँ पे ख़राब हो रही है ये, तो आगे कर रहे हैं मेरा इंतज़ार और मैं जा रही हूँ पैदल। अभी हम पहुँच गए हैं कुमैया चौड़, तो यहीं से शुरू होता है हमारा घर का रास्ता, और ये कुमैया चौड़ का है स्कूल, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं शायद।
अभी हम कुमैया चौड़ पहुंच चुके हैं और उससे आगे हम जा रहे हैं। काफ़ी जंगल है यहाँ पे, पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारे गांव को जाते समय इतना सुनसान रास्ता है ये। डर भी लग रही कहीं गिर ना जाऊं। ये नीचे जाते समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ऊपर आते समय बहुत ही हालत ख़राब हो गई, एक भी वीडियो में नहीं बना पाई। अभी मैं आगे हो गई हूँ और ये पीछे हैं ये। और जहाँ भी जाओ तो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो कहते हैं ना, फ़ोटो खींचने देते हैं ना वीडियो बनाने देते हैं। तो अभी भी जल्दी करो करे हैं। और रास्ता यहाँ पर इतना ऊँचा नीचा है तो जल्दी जल्दी जाया भी नहीं जा रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं इनके भाई के घर के पास। तो देवर जो हैं वो हमारे मार्केट में रहते हैं, तो ये है उनका घर। अभी हम पहुंचने ही वाले हैं घर पे, तो सामने जेठ जी और जेठानी जी दिखाई दे रही हैं। ये है इनके चाचा जी का घर, तो अभी हम वहाँ पे पहुंच चुके हैं। और ये चाची हैं और इनके दो नतनी हैं, ये प्यारे प्यारे से क्यूट से, तो इनकी बातचीत हो रही है। और ये सामने लगे हैं संतरे और ये है बड़े जेठ जी का और मदन का, पता नहीं किस किस का है, ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे पहले आई हूँ तो मैंने दिखाया, तो यहाँ पे हम रुके भी थे। और ये है पूरा सटगन, तो फिर से हम ऊपर जा रहे हैं चाचा लोगों से मिलने के बाद जिठानी जी के घर पे। और ये है इनकी गाय बच्चिया, तो ये बैठे हैं अपनी बहन के साथ, चाची की लड़की के साथ, बड़े खुश नजर आ रहे हैं अपने घर पे आके गांव में। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अंदर। तो ये है प्राइस, बच्चों ने जीते हैं। और ये सामने फोटो लगाई है सबकी, कविता ने अपने भाई बहनों की, रिलेटिव्स की, और हमारी भी लगी हुई है, मैं लवी और इसके पापा। यहाँ पे चाची टीका कर रही हैं, क्योंकि जो भी घर पे आता है जाते समय उसको टीका लगाने का रिवाज है। तो अभी हमारी वापस जाने की तैयारी हो रही है और चाची और जिठानी जी हमें छोड़ने आए हैं, और ये छोटा बेबी भी हमें छोड़ने आया है, छोड़ने आई है, तो ये कर रही है हमको बाय। अभी हम जा रहे हैं मंदिर, गाँव के मंदिर में, यहीं पर पूजा पाठ होती है, तो हम दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर में अपने देवता के। तो दर्शन करके अब हम जा रहे हैं घर को। और जाते जाते हम गए हैं अभी नौल वाले चाचा जी के घर। नौल वाले चाचा जी का घर मतलब यहाँ पे एक नौला है, तो इसलिए उन्हें नौल वाले चाचा जी बोलते हैं। तो यहाँ पे माल्टा लगे हुए हैं, काफ़ी यहाँ पे माल्टा लगे हुए हैं। तो पिछले बार भी जब हम 2 साल पहले आए थे तो काफ़ी माल्टा हमने खाए थे और घर को भी लेके आए थे, और इस बार भी हम लेके आए हैं। ये काफ़ी अच्छे और रसीले माल्टा हैं यहाँ पे, इसी जगह पे ज़्यादा माल्टा होते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंडा है। अभी हम रोड पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर से हम थोड़ा व्यू देख रहे हैं, क्योंकि जाते समय हमें टाइम नहीं मिला देखने का, तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं व्यू। अभी हम जा रहे हैं वापस घर को, पहले भी हम यहाँ पे आए हैं लेकिन उस समय हम अंधेरे में ही आए, और अंधेरे में आए तो हमें पता नहीं चला कि ये यहाँ पे इतनी सुंदर चोटियाँ भी हैं। तो आज हम ये स्कूटी में आए हैं तो तब पता चल रहा है कि इतनी सुंदर यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं बर्फ़ से ढकी हुई ये। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रीन आइसलैंड,
ग्रीन आइसलैंड। हाँ तो यहाँ पे भी हमें जाने का टाइम नहीं है क्योंकि हमें जाना है वापस जल्दी। वापसी में बहुत चढ़ाई थी इसलिए एक भी वीडियो मैंने बनाया नहीं क्योंकि अपना चलना है मुश्किल इतना हो रहा था तो वीडियो कहाँ से बनती। तो अभी और गर्मी भी काफ़ी लग गई तो इसलिए अभी मैंने हेलमेट भी नहीं डाला है पसीने सुखाने के लिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा ठंडा ठंडा। वापसी में हम आ गए हैं मोस्टामानु मंदिर। तो इस मंदिर में है महादेव की मूर्ति, तो उसी के दर्शन हमने आज किए हैं। तो आज हमें मौका मिला दर्शन करने का, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यू है, शांत वातावरण है और बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये। मोस्टामानु मंदिर से बहुत सुंदर पिथौरागढ़ का व्यू दिख रहा है, पूरा पिथौरागढ़ है ना वो। अच्छा वो उधर है नैनी सैनी हवाई पट्टी उधर ना। अच्छा आज मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ मोस्टामानु मंदिर, बहुत सुंदर है। शिव जी का मंदिर है ये हमारे भोलेनाथ का, और ये यहाँ से व्यू, और सामने उधर बर्फ की चोटियाँ दिखाई दे रही है छोटी छोटी। अभी हम फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ से पिथौरागढ़ बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है ये। इस समय सूरज की रोशनी भी सामने पड़ रही है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है पिथौरागढ़। ये सूरज की किरणें और भी खूबसूरत बना रही हैं पिथौरागढ़ को। यहाँ पे एक पोल भी है जिसमें फ्लैग लगा हुआ है, काफ़ी लंबा है, और कितना है ये मुझे मालूम नहीं है। और ये है ब्यूटीफुल छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ की खूबसूरत वादियाँ। शाम का समय है और सूर्य की किरणें भी यहाँ पे पड़ रही हैं तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ से इस समय पिथौरागढ़ दिखाई दे रहा है। और ये चोटियाँ भी बर्फ़ से लदी हुई काफ़ी सुंदर लग रही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग, तो यहीं पे हम अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।